वेलकम फ्रेंड्स, मैं आपके सामने गौरव मिगलानी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 12th क्लास की बिजनेस स्टडी का चैप्टर ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का ये हमारा वीडियो नंबर फर्स्ट है। इस वीडियो में हम सबसे पहले ये देखने हैं कि ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग क्या है, फीचर्स देखेंगे, इंपॉर्टेंस देखेंगे, प्रोसेस देखेंगे और एक ऑर्गेनाइजिंग का एक कॉन्सेप्ट है। ये चार टॉपिक हमको ईजी लैंग्वेज में हमने इसी वीडियो में कवर करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ऑर्गेनाइजिंग मैनेजमेंट का सेकंड फंक्शन होता है, क्योंकि सबसे पहले किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमको क्या करनी होती है, प्लानिंग करनी होती है। प्लानिंग के बाद क्या आता है, ऑर्गेनाइजिंग आता है। प्लानिंग फॉर एग्जांपल, आपने एक बिल्डिंग बनाने का प्लान किया, आपने उसका नक्शा तैयार करवाया, मैप तैयार करवाया किसी आर्किटेक्टर से, उसने मैप बना के दे दिया। अभी मकान बनाने का काम किसका है, ठेकेदार का, कॉन्ट्रैक्टर का। मकान बनाएगा, मकान बनाने के बाद वो ये देखेगा कि बिल्डिंग क्या बननी है, कितने रूम बनने हैं। बिल्डिंग बनाने का काम उसका है, अभी वही स्ट्रक्चर पूरा वही रेडी करेगा। इसी तरह से किसी भी बिजनेस के अंदर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है, प्लानिंग हो जाने के बाद अब डिपार्टमेंट वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ड्यूटी होती है कि हमको ऑर्गेनाइजिंग करना होता है, उसका एक स्ट्रक्चर रेडी करना होता है, काम करने का हमको एक संगठन तैयार करना होता है, दैट इज कॉल्ड द ऑर्गेनाइजिंग। मतलब प्लानिंग के बाद जो हमारा सेकंड स्टेप है वो क्या है, ऑर्गेनाइजिंग है। तो ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग आई होप आपको बहुत अच्छे से रेडी आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। स्ट्रक्चर बोले तो ये डिसाइड करना है कि कौन किसका सुपीरियर होगा, कौन किसके नीचे काम करेगा, कौन बॉस होगा, कौन वर्कर होगा, उनकी ड्यूटीज क्या होंगी, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी, कौन क्या काम करेगा, किसी के राइट्स क्या होंगे, ये सारी बातें स्ट्रक्चर के अंडर आती हैं। तो ये करने के ऑर्गेनाइजिंग के फीचर्स क्या होंगे, सबसे पहला फीचर जो ऑर्गेनाइजिंग का है कि डिवीजन ऑफ वर्क। जब हम ऑर्गेनाइजिंग का काम करते हैं तो हमारा काम बढ़ जाता है, क्योंकि कंपनी का एक टारगेट फिक्स होता है। वो टारगेट क्या होता है, फिक्स कब करते हैं हम, प्लानिंग में, प्लानिंग के टाइम हम फिक्स कर लेते हैं। ऑर्गेनाइजिंग के अंदर क्या होता है, उस प्लानिंग को हम छोटे छोटे काम में डिवाइड कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपको एक टेबल रेडी करनी है। टेबल बनाने का जो ऊपर का पार्ट है वो आप रेडी करने के लिए और किसी को दे दो, उसकी लेग्स और किसी को रेडी करने के लिए दे दो, पलाई और किसी को लगाने के लिए कह दो, कलर करने का काम और किसी को दे दो। जब एक ही काम को हम छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हैं तो एक ही पर्सन जब एक ही काम को जब बार बार करेगा तो डिवीजन ऑफ वर्क, काम को बांट देने से वो उस काम का स्पेशलाइजिस्ट बन जाता है, उसके अंदर स्पेशलाइजेशन आ जाती है। बेनिफिट क्या होगा, वो अगली बार जब वो काम करेगा तो वो पहले से और भी अच्छे से और जल्दी करने वाला है। तो सबसे पहले हमको क्या करना होता है, सबसे पहली जो खास बात होती है ऑर्गेनाइजिंग की, वो क्या होता है, काम का हम बंटवारा कर देते हैं। दूसरा फायदा क्या है, कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन पैदा करना होता है सभी डिपार्टमेंट्स के बीच में, ताकि सभी लोग एक दूसरे की हेल्प से, एक दूसरे की सहयोग से काम कर सकें। तीसरा है कॉमन ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हालांकि अलग अलग डिपार्टमेंट बनाते हैं हम, पर वो सभी के सभी डिपार्टमेंट एक मेन टारगेट को पूरा करने के लगे होते हैं। चाहे आपके 10 डिपार्टमेंट बने हैं, वो सभी 10 के 10 डिपार्टमेंट किस टारगेट को लगेंगे, जो हमारा मेन टारगेट रहेगा। तो कॉमन ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए सभी लगे होते हैं। फिर दूसरी चौथी बात आती है प्रायोरिटी ऑफ पर्सन, संगठन की जरूरत, ऑर्गेनाइजिंग की जरूरत वहां पड़ती है जहां दो या दो से ज्यादा लोगों ने काम करना है, वहीं संगठन की जरूरत होती है। क्योंकि जहां पे अकेला एक बंदे ने काम करना है वहां पे ऑर्गेनाइजिंग की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उस अकेले व्यक्ति को पता होगा कि मेरे को क्या करना है, कब करना है। बट जहां दो लोग या ज्यादा काम कर रहे हैं तो वहां पे ऑर्गेनाइजिंग बहुत जरूरी है। स्ट्रक्चर रेडी करना होता है, कौन क्या काम करेगा, कब करेगा, किसने करना है, कौन किसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होगा, कौन कहाँ से खरीद के लाएगा, मार्केटिंग मैं करूंगा या तू करेगा, सारी बातें वो लोग आपस में डिसाइड करनी होती है। जब ये सारी बातें डिसाइड करनी होती है तो ऑर्गेनाइजिंग की जरूरत होती है। फिर बात आती है कि वेल डिफाइंड अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हम डेफिनेटली एक स्ट्रक्चर रेडी करते हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन होगा, मिडल लेवल मैनेजमेंट में कौन होगा, लोअर लेवल मैनेजमेंट में कौन होगा, वर्कर्स सबसे नीचे प्लेटफॉर्म एरिया में होते हैं। तो इसलिए हम सबकी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, सभी के अधिकार और कर्तव्य है, उत्तरदायित्व हम पहले से फिक्स कर देते हैं। छठी बात आती है सुपीरियर सबोर्डिनेट रिलेशन। हम उनको ये भी क्लियर कर देते हैं कि बॉस कौन होगा, वर्कर कौन होगा, उसके नीचे कौन काम करेगा, किसने किसकी बात माननी है, किसी को फीडबैक देनी है तो फीडबैक किस चैनल से आगे पहुंचानी है, टॉप लेवल मैनेजमेंट तक बात पहुंचानी है तो पहले बात किसके पास जाएगी, फिर किसके पास, फिर टॉप लेवल के पास कैसे आएगी, तो उनके रिलेशनशिप हम पहले से फिक्स कर देते हैं। सातवीं बात, इट इज अ यूनिवर्सल प्रोसेस।
ऑर्गेनाइजिंग का काम ऐसा नहीं है कि एक बार आपने कर दिया खत्म हो गया, नो, आपको बार बार ऑर्गेनाइजिंग करना होता है। यूनिवर्सल प्रोसेस है, हर जगह पे आप चाहे कहीं पर भी जाओ, घर हो स्कूल हो, आपको हर जगह पे ऑर्गेनाइज तो करना ही होता है। बिना ऑर्गेनाइज करिए आप आगे काम भी नहीं कर सकते। स्कूल के अंदर एग्जाम्पल लगा लीजिए, स्कूल के अंदर प्रिंसिपल की जगह फिक्स होती है, टीचर की जगह, पीएनस की जगह, स्टूडेंट्स की जगह, तो यूनिवर्सल प्रोसेस है, सार्वभौमिक है, हर जगह पे ये अप्लाई होती ही है। इट इज ए पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का सिर्फ एक पार्ट है देखा जाए तो, क्योंकि मैनेजमेंट की एक प्रोसेस पूरी होती है। पहली पार्ट कौन सा होता है? प्लानिंग। प्लानिंग के बाद हमको क्या करना होता है? ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग के बाद स्टाफिंग, स्टाफिंग के बाद डायरेक्टिंग, देन कंट्रोलिंग। तो देखा जाए ऑर्गेनाइजिंग मैनेजमेंट का एक पार्ट है। लास्ट डायनेमिक, ये ऐसी नहीं है कि चेंज नहीं होता है, ऑर्गेनाइजिंग चेंज होता रहता है, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर भी चेंज होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, एक एम्प्लॉय हमारी कंपनी को छोड़ के चला गया, हमको उस जगह को भरना है, कोई नौकरी लेने को तैयार नहीं है, तो हम क्या करेंगे? उस डिपार्टमेंट को या उस पोस्ट को क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे, या उस पोस्ट के ऊपर किसी नए पर्सन को अपॉइंट कर देंगे। तो ये डायनेमिक प्रोसेस है, ऑर्गेनाइजिंग फिक्स नहीं होती है, ये टाइम के अकॉर्डिंग बदलती रहती है। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस क्या है, ऑर्गेनाइजिंग करने का फायदा क्या होने वाला है हमको। पहली बात, स्पेशलाइजेशन। मैंने बताया था, जब आप काम को डिवाइड कर देते हो, एक काम आपने चार लोगों में डिवाइड किया, चारों लोग अलग अलग काम को कर रहे हैं, हर बंदा उस काम को, जो काम मैंने उसको दिया है, जब वो बार बार करेगा उस काम को, क्या होगा? उसके अंदर स्पेशलाइजेशन का गुण, क्वालिटी आ जाएगा। उस काम को जब बार बार करता है, उसके अंदर काम करने की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। काम को अगली बार जब करेगा तो और अच्छे से स्पीड स्पीड ज्यादा आएगी, अगली बार करेगा तो स्पीड पहले से भी ज्यादा आती है। तो क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग करने से स्पेशलाइजेशन का हमको फैसिलिटी मिल जाता है। दूसरी बात, क्लैरिटी होती है वर्किंग रिलेशनशिप के अंदर, लड़ाई झगड़े कम होंगे, क्योंकि हर किसी को पता है कि मैं तेरा बॉस हूँ या तू मेरा बॉस है, सभी को पता होता है। तो वर्किंग रिलेशनशिप सभी को पता होता है, किसने किसको जवाब देना है, कौन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, किसके क्या अथॉरिटी है, किसके पास क्या राइट्स हैं। यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जब हम ऑर्गेनाइजिंग कर लेते हैं तो रिसोर्सेज का हम अच्छे से यूज कर पाते हैं, पैसे का यूज अच्छे से होगा, मनी का, रॉ मटेरियल का, लोगों का, जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं सबका अच्छे से यूटिलाइज हो पाता है। एडेप्शन टू चेंज, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर जब हम रेडी कर देते हैं तो अगर कल की डेट में हमें कुछ चेंज करना होता है फर्म के अंदर, टेक्निक के अंदर, तो टेक्निक को चेंज करना बहुत आसान होता है, क्योंकि सभी लोग उसको मान लेते हैं। पांचवी बात, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। जब ऑर्गेनाइजिंग मैंने एक अच्छे तरीके से किया है तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम बहुत अच्छे से चलता है, क्योंकि हर किसी को पता है कि मैं किसके अंडर में काम कर रहा हूँ, कौन बॉस है, कौन किसकी, किसने किसकी बात सुननी है। तो एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छे से काम चलता है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन की कार्यकुशलता, काम करने का तरीका, एफिशिएंसी को बहुत इंक्रीज हो जाती है। फिर आता है डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल। पर्सोनल बोले तो लोगों से ही बना होता है ऑर्गेनाइजिंग, हमको पता ना कि लोगों का भी करना होता है, तो लोगों का डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, क्योंकि हमने हर किसी को छूट दे रखी होती है और हर किसी को राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे रखी होती है। तो इससे हमारा पर्सोनल डिपार्टमेंट का भी, पर्सोनल मतलब लोगों का विकास होता है। फिर है एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। अल्टीमेटली जब सब कुछ बढ़िया चल रहा है, अगर सब हमने अच्छे से डिसाइड किया, तो क्या होने वाला है, फर्म का एक्सपेंशन होने वाला है, फर्म की ग्रोथ भी होती है। अब बात आती है कि ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस क्या है। सिंपल सी प्रोसेस है, चार स्टेप इसके अंदर हमने स्टडी करने हैं। पहला है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। जब हमको एक कंपनी का, एक फर्म का टारगेट पता है, तो हम क्या करेंगे, काम को डिवाइड कर देंगे, तो डिवीजन ऑफ वर्क हो जाता है। जैसे रॉ मटेरियल खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे, या बना बनाया माल खरीदेंगे, परचेज कौन करेगा, सेल कौन करेगा, एडवर्टाइजमेंट के लिए, सारे काम मैंने बांट दिए। बांटने के बाद क्या है, बांट तो दिए पर हमने अभी तक तो डिपार्टमेंट तो नहीं बनाया ना। सेकंड स्टेप के ऊपर आकर मेरे को डिपार्टमेंटलाइजेशन करना होता है, डिपार्टमेंट बनाने होते हैं। डिपार्टमेंट बनाने का मतलब बहुत सारे डिपार्टमेंट है जिसका काम अलग अलग होता है, परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, पर्सोनल डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, ऑफिस डिपार्टमेंट। तो इस तरह से मुझे सारे डिपार्टमेंट भी बनाने होते हैं, एक डिपार्टमेंट का एक एक हेड भी मेरे को अपॉइंट करना होता है। परचेज डिपार्टमेंट का मैनेजर कौन होगा, परचेज मैनेजर। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर। सेल्स डिपार्टमेंट का मैनेजर, सेल्स मैनेजर। तो मेरे को यहाँ पर ड्यूटीज भी असाइन करनी होती है, मैनेजर्स भी फिक्स करने होते हैं, और उनको बताना होता है कि तुम्हारा काम क्या क्या होगा, तुम्हारी ड्यूटी क्या क्या होंगी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने परचेज डिपार्टमेंट को बोला, परचेज डिपार्टमेंट को मैंने क्या बोला,
भाई कच्चा माल खरीदना है तब भी तू ही खरीदेगा, अगर तेरे को लग रहा है कि कहीं से बना बनाया माल खरीदना है तो तब भी तुमने ही खरीदना है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ड्यूटीज उन लोगों को असाइन कर देता हूँ कि तुम्हारी ड्यूटीज क्या होंगी, तुम्हारे कर्तव्य क्या होंगे। फिर जब कर्तव्य फिक्स हो गए तो उसके बाद क्या करते हैं, एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशन। मैं एक रिपोर्टिंग सिस्टम भी हम फिक्स कर देते हैं, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किसका सबोर्डिनेट होगा, कौन किसी का बॉस होगा, कौन किसके अंडर में काम करेगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट। तो उनका रिपोर्टिंग सिस्टम अल्टीमेटली फिक्स हो जाता है, क्योंकि लोअर लेवल मैनेजमेंट सीधा टॉप लेवल मैनेजमेंट से बात नहीं कर सकता, लोअर लेवल मैनेजमेंट को पहले मिडिल लेवल मैनेजमेंट तक जाना पड़ेगा, मिडिल लेवल मैनेजमेंट उनकी बात टॉप लेवल मैनेजमेंट तक पहुंचा देती है। तो एक रिपोर्टिंग सिस्टम भी फिक्स हो जाता है, क्योंकि टॉप लेवल मैनेजमेंट को मान लो वर्कर से कोई बात मनवानी है तो टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करेगा, पहले बात मिडिल लेवल मैनेजमेंट को बताएगा, मिडिल लेवल मैनेजमेंट लोअर लेवल को, और लोअर लेवल मैनेजमेंट को अच्छे से पता होता है कि मेरे को वर्कर से काम कैसे करवाना है। तो यहाँ पर एक पूरा का पूरा सिस्टम के अकॉर्डिंग काम होता है। तो ये हुई हमारी ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस। अभी तक हमने तीन टॉपिक पढ़ लिए, फीचर्स, इंपॉर्टेंस एंड प्रोसेस। अब बात आती है ऑर्गेनाइजिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है। कुछ लोग कहते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग एक प्रोसेस है, प्रोसेस ही है, देखा जाए तो प्रोसेस ही है, प्रोसेस में ही तो हम काम कर रहे हैं। आइडेंटिफाई किया, वर्क का डिवीजन हुआ, डिपार्टमेंट बने, ड्यूटीज असाइन हुई, देन लास्ट में हमने रिलेशन भी फिक्स किए। तो डेफिनेटली ऑर्गेनाइजिंग करना एक प्रोसेस है, क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग सिर्फ एक मैनेजमेंट का एक स्टेप नहीं है, क्योंकि मैनेजमेंट के पांच स्टेप होते हैं, मैंने आपको बताया। मैनेजमेंट का पहला स्टेप प्लानिंग, सेकंड स्टेप ऑर्गेनाइजिंग। देखा जाए तो मैनेज ऑर्गेनाइजिंग एक स्टेप ही तो है, एक कदम ही तो है मैनेजमेंट का, पर ऑर्गेनाइजिंग खुद के अंदर देखें तो खुद में एक प्रोसेस भी है। तो पहला कॉन्सेप्ट ऑर्गेनाइजिंग, हाँ एक प्रोसेस भी होती है। दूसरी बात, स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप। ऑर्गेनाइजिंग रिलेशनशिप का स्ट्रक्चर भी तो होता है, क्योंकि मैंने बताया ना आपको कि हम सबके रिलेशनशिप फिक्स कर देते हैं, सभी को बता देते हैं कि कौन किसका बॉस होगा, कौन किसका वर्कर होगा, कौन किसके अंडर में काम करेगा, कौन टॉप लेवल मैनेजमेंट बैठेगा, कौन मिडिल लेवल मैनेजमेंट में बैठेगा, कौन लोअर लेवल मैनेजमेंट बैठेगा, किसने फीडबैक किसको करनी है। तो डेफिनेटली एक स्ट्रक्चर होता है रिलेशनशिप्स का। तो देखा जाए तो ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस भी है, देखा जाए तो एक ही रिलेशनशिप्स का स्ट्रक्चर भी है, क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग बनाने का, ऑर्गेनाइजिंग करने का मेन हमारा फंडा क्या होता है, हमने बेसिकली तो स्ट्रक्चर ही फिक्स किया होता है रिलेशनशिप्स का, कि कौन किस पोस्ट पर बैठेगा। तो ये हमारा ऑर्गेनाइजिंग का टॉपिक कंप्लीट होता है। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो हमारी जो बनेगी, इसी चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक है वो। नेक्स्ट वीडियो में हमने क्या देखना है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है। फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का टॉपिक आप नेक्स्ट वीडियो में देखना मत भूलिएगा। तो यहाँ तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।